Welcome to Oliveboard. Bold series, February Bold, जो first part और second part आ चुका है, वो आप जरूर देख लीजिए. ये मैं ले गया हूँ आपके लिए third part. इसमें हम discuss करेंगे summits, conferences, जितने भी pages अभी हमारे रहे हैं, वो सारे हम discuss कर लेंगे इसके अंदर. बाकी दो video जरूर देख लीजिए. Tricks के साथ मैंने चीजें आपको बताई हैं. यहाँ पे क्या होगा, अभी डाटा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर दिया है. ये नहीं है कि बाकी नहीं पढ़ना, बाकी पढ़ना है अगर आप लगातार साथ के साथ पढ़ते आ रहे हैं तो. अगर आप लास्ट नाइट फाइटर हैं कि भाई प्री क्लियर हो गया अभी मेंस की तैयारी करनी है, तो सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि और आपके पास कोई चारा भी नहीं है. सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही करनी चाहिए. इंडिया टू होस्ट फोर्थ ईएएस कॉन्फ्रेंस. ईएएस का पहले तो फुल फॉर्म पता होने चाहिए, ईस्ट एशिया समिट. ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई, चेन्नई के अंदर हुई. ठीक है, याद रखिएगा, ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई, चेन्नई के अंदर हुई. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. ये पूछा जाएगा कि कौन सी दो और कंट्रीज थी जिनके साथ ये पार्टनरशिप थी, तो इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चंस ऐसे ही डीप आते हैं, वो सीधा क्या पता ना पूछे कि ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई, चेन्नई याद रह जाता है बच्चों को, लेकिन कौन सी दो पार्टनर कंट्रीज थी. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. नेक्स्ट है 22nd एडिशन. ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा एडिशन था, पूछा जाएगा इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 हुआ कहाँ पे था. ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ, कोची केरला के अंदर हुआ. तो याद कैसे रखेंगे कि सी फूड, जो सी समुद्र का जो चीजें निकलती हैं, जैसे मछली होगी, कोई भी हो गया, केकड़ा हो गया, तो जो लोग नहीं खाते वो क्या करते हैं, छी, हमें नहीं खाना, छी से कोची याद रह जाएगा आपको, कोची छी. ठीक है, इंडिया है सेट सी फूड एक्सपोर्ट टारगेट एट $10 बिलियन बाय 2020. 2020 तक $10 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है. तो इम्पोर्टेंट है, टारगेट्स याद रखिएगा भाई, 2025 तक क्या था, 2030 तक क्या था, तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं. डीप जी के इसी तरीके से आती हैं, कहीं और से नहीं आती. अफ्रीका यूनियन समिट कंक्लूडेड एट एडिस अबाबा. एडिस अबाबा कहाँ, इथोपिया के अंदर है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीकन यूनियन समिट कहाँ पे हुई, इथोपिया के अंदर हुई. अफ्रीकन यूनियन थीम फॉर द ईयर वॉज Silencing the guns, creating conducive conditions. तो थोड़ा सा बस silencing the guns याद कर जाएगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि silencing the guns के चार ऑप्शन पड़े होंगे, यहाँ कुछ चेंज करके डालेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. सीधा याद कर लीजिए पूरा silencing the guns, बस. ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. अगर ये थीम बहुत ज्यादा बड़ी होती तो फिर तो छोड़ दीजिए. ये आपको एक्सपीरियंस बताता है कि कौन सी थीम कर रही है, कौन सी नहीं. तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये करके जरूर जाइएगा, और पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, साइलेंसिंग द गन्स याद रख लीजिए बस. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020 कंक्लूडेड इन मुंबई. मुंबई के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ई गवर्नेंस के अंदर, बस इसमें इतना ही याद करने वाली चीज है. नेशनल वोटर कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन भोपाल. भोपाल के अंदर नेशनल वोटर कॉन्फ्रेंस हुई, ये किस चीज के लिए थी, टू सॉल्व वोटर क्राइसिस एंड मेक स्टेट वोटर रिच स्टेट. वोटर रिच स्टेट बनाने के लिए और वोटर क्राइसिस जो चल रहा है उसको दूर करने के लिए. इंडिया अटेंड्स म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी. ऑब्वियसली जर्मनी के अंदर होगी ये. ठीक है, और कब से कब तक हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां पे हुई ये इंपॉर्टेंट है. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, जर्मनी के अंदर हुई. प्रकाश जावड़ेकर जी, जब भी नाम आए किसी मिनिस्टर का आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी याद होनी चाहिए. मैंने एक स्पेशल ट्रिक की वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखिए, क्योंकि ट्रिक्स के साथ मैंने आपको मेरी अब तक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में से एक है वो मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जरूर देखिए वो. अगर आप आपको ट्रिक्स के साथ याद करनी है चीजें, तो मिनिस्टर्स तो बहुत होते हैं. ठीक है, उनके पोर्टफोलियो और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ से जीते हैं चुनाव, वो सारी एक ही वीडियो के अंदर मैंने ट्रिक के साथ करवा दी थी, आप जाके देख सकते हैं. प्रकाश जावड़ेकर टू अटेंड, नाम आते हैं प्रकाश जावड़ेकर, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से चुनाव जीते हैं, कमेंट करके बताइएगा कहां से चुनाव जीते हैं बिना देखे. टू अटेंड बायलेटरल कोप मीटिंग इन गांधीनगर. कोप मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन जब उसकी फॉर्म पता चलती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है. ठीक है, तो इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा आप. 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे हुई, गांधीनगर गुजरात के अंदर. नितिन गडकरी टू रिप्रेजेंट इंडिया एट थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी.
स्टॉकहोम के अंदर कौन गए हैं हमारी तरफ से? नितिन गडकरी जी गए हैं। थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी रोड सेफ्टी के लिए, ठीक है, और पता होना चाहिए रोड सेफ्टी के लिए थी तो ऑब्वियसली जाना नितिन गडकरी जी का ही बनता है, क्योंकि मिनिस्ट्री इनसे बिलोंग करती है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड एमएसएमई है कौन? नितिन गडकरी जी। यूएन ने रिड्यूसिंग रोड क्रैशेज के लिए एक गोल रखा है, ठीक है, कब तक? 2030। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया हडल 2020। हडल 2020 इवेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर सीधा पूछा जाता कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने हडल 2020 कहां पे इनॉग्रेट किया, जी नहीं, इंपॉर्टेंट फिर नहीं होता। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने किया है, तो चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, क्योंकि इनॉग्रेशन जो करते हैं उनके नाम पे भी डिपेंड करता है। हडल 2020 इवेंट कहां पे हुई? बेंगलुरु के अंदर। 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी मैंने बताया आपको, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई। पीएम मोदी जी इनोग्रेट्स फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एट कटक। कटक कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। तो इंटरनेशनल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए? पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कटक ओडिशा के अंदर। पीएम मोदी एड्रेसेस इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल लेवल की। याद कैसे रखेंगे कि जो जुडिशरी होती है उसको दिल से काम नहीं लेना चाहिए, फैक्ट से काम लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें इमोशनल होती है, हमें लगता है कि इसके फेवर में आना चाहिए। जो रिजल्ट आना होता है जजेस की तरफ से, जजमेंट आनी होती है, लेकिन उनको दिल से काम नहीं लेना चाहिए, उन्हें फैक्ट्स पे जाना चाहिए, जो रियलिटी उनके सामने है उस पे जाना चाहिए। इमोशनली और ऑब्वियसली इमोशनली कोई जज भी अपना जजमेंट नहीं देगा। नीति आयोग ऑर्गेनाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जहां भी दिख जाए आपको उसकी न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। 2020 कॉन्क्लेव कहां पे हुई? कॉन्क्लेव का मीटिंग का मतलब सेम होता है, ठीक है, कहां पे? गुवाहाटी के अंदर। नीति आयोग ने SDGs को अचीव करने के लिए प्लान जो बनाया है, कब तक के लिए? 2030 के लिए। देखिए मैंने तीन चीजें बता दी आपको, 2030 तक दो चीजें और 2025 तक एक चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो टारगेट्स रखे गए हैं उन्हें उनका पता होना चाहिए आपको। नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना, मध्य प्रदेश, देखिए मेरे को याद पड़ा है, ठीक है, हालांकि मेरे को जरूरत नहीं है अभी चीजों को याद रखने की, बट वो ट्रिक्स ही ऐसी बनाई गई थी कि वो याद रह जाती है। एक बार वीडियो देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, बस उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। और यही वीडियो की मेरी दिक्कत है, मैंने एक ट्रिक आपको करवा दी कि नरेंद्र सिंह तोमर की मुरैना मध्य प्रदेश है, ट्रिक के साथ करवा दी। अगली बार मान लीजिए बने या ना बने वो हमें नहीं पता, अगर कभी मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, या मान लीजिए रीशफलिंग होती है, ठीक है, इसी सरकार के अंदर रीशफलिंग हो सकती है, मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो ट्रिक के साथ करवाई है वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो आप याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसी पेपर में वो यूज करके आप पेपर निकाल दें, पेपर क्लियर कर दें, क्योंकि दोबारा जब ये अगर मिनिस्ट्री चेंज होती है फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, मेरी ट्रिक्स की ये दिक्कत है। 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र KVK, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, लेकिन कुछ डिटेल बताई जाएगी, क्यों? क्योंकि KVK से इतना वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो बताएगा नरेंद्र सिंह तोमर ने इनोग्रेट किया KVK कॉन्फ्रेंस, तो अब बताइए K का मतलब क्या है, सेकेंड K का मतलब क्या है, वो ऐसे पूछेगा। नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र है ये, कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? न्यू दिल्ली के अंदर हुई। ये बोर्ड के अंदर आपके लिए डायरेक्ट चीजें बताई गई है, अफ्रीकन ये हमने किया ना सब, वो ही क्विक रिवीजन आपके लिए बना दी गई है। बजट 2020 अनाउंस हुआ, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको काफी चीजें बताई थी बजट में याद करने वाली, तो वो जरूर देख लीजिएगा। लार्जेस्ट एवर साइंस मिशन लॉन्च करने की बात की गई है, मतलब अनाउंस किया गया है, ठीक है, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इन इट्स बजट 2020 हैज अनाउंस्ड अ नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा अब सारी चीजें टेक्नोलॉजीज क्वांटम बेस्ड हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी लाइज इन पैकेट। पैकेट क्वांटा का मतलब ही पैकेट होता है,
ठीक है, तो एनर्जी पैकेट की फॉर्म में होता है, लेकिन आपको इस चीज के डीप में नहीं जाना, वो पूछ सकता है क्वांटा का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। टोटल बजट कितना अनाउंस किया गया है इस चीज के लिए, 8,000 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बस यही चीज इंपोर्टेंट थी, ठीक है, कुछ और है जो इंपोर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एबॉट इंडिया ने जो वैक्सीन लॉन्च की है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, फोर स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट है लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं करंट अफेयर प्री के बाद, तो इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन एंड आईआईटी मद्रास। इलेक्शन कमीशन और आईआईटी मद्रास ने टाई अप किया है टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी फॉर वोटिंग। वोटिंग दूर से ही कर पाए, ठीक है, डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन तक जाना ना पड़े, ठीक है, और जो जॉब करते हैं दूसरे स्टेट में रहते हैं उनके लिए फायदेमंद चीज होने वाली है, आपको पता होना चाहिए। आईआईटी मद्रास के साथ टाई अप किया है इलेक्शन कमीशन ने। नेवी ने कंडक्ट की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज मतला अभियान। मतला अभियान कहां पे, कोलकाता, याद रखिएगा, नेवी ने कंडक्ट की है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज मतला अभियान कहां पे, कोलकाता के अंदर। नाइन्थ एडिशन जो था इंडिया बांग्लादेश की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है, संप्रीति, संप्रीति नाइन जो थी वो उमराव उमराय मेघालय के अंदर हुई, ठीक है, तो मेघालय उमराय इंडिया बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री, और मैंने ट्रिक के साथ याद करवाया हुआ है आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वो वीडियो देख सकते हैं आप, इसमें ट्रिक मैंने क्या बताई हुई है कि उसका बंगला बहुत प्रीटी है, प्रीटी से बंगला, ठीक है, और बंगला से बांग्लादेश। डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सपो लखनऊ के अंदर हुई, ठीक है, यूपी लखनऊ के अंदर डिफेंस एक्सपो हेल्ड हुई। डिफेंस एक्सपो 2020 फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव हेल्ड ऑन 6 फरवरी। इंपोर्टेंट नहीं है कि डेट क्या थी, इंपोर्टेंट है कि हुई कहां पे, लखनऊ यूपी के अंदर। आर्मी मेजर अनूप मिश्रा डेवलप्स बुलेट प्रूफ हेलमेट दैट कैन स्टॉप AK-47 बुलेट, AK-47 बुलेट्स को भी रोक सकती है, ऐसा बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया है इन्होंने, आर्मी मेजर अनूप मिश्रा जी ने। एक्सरसाइज अजय वॉरियर, अजय का मतलब क्या होता है, जिसे हराया ना जा सके। अजय वॉरियर 2020 कहां पे हुई, सेलिसबरी प्लेन्स यूके के अंदर। इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया इसमें शामिल है, इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मीज ने ये मिलके जॉइंट एक्सरसाइज की। इंपोर्टेंट क्या होता है एक्सरसाइजेस के अंदर, कौन से दो देशों के बीच में हुई, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है या कोस्टल एक्सरसाइज है, नेवी की है या आर्मी की, किसकी है, और ये हुई कहाँ पे, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर इंडिया के अंदर हुई है तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट परमिट्स परमानेंट कमीशनिंग ऑफ वीमेन ऑफिसर्स इन डिफेंस। मैं इसमें सीधा सीधा बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है कंसेंट टू कमीशन वीमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, जो हाई रैंक हो गए वहां तक जा सकेंगे और सेम चीजें मिलेंगी जो मेन को मिलती है। वज्र, वज्र प्रहार भी आता है, वज्र भी आता है, आपको पता होना चाहिए। ऑफशोर वज्र प्रहार क्या है, एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है। वज्र क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च एट चेन्नई, चेन्नई के अंदर ये लॉन्च किया गया, तो बस आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखिए यहां से पढ़िए, द सेफ वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर डे एंड नाइट सर्विलेंस, डे एंड नाइट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए, देखने के लिए ये यूज किया गया, किया जाएगा। ऑथर देख लेते हैं, पीएम शेख हसीना ने इनॉग्रेट, पीएम शेख हसीना कौन है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, लॉन्च्ड एकुक्षे बुक फेयर, तो ठीक है, इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है तो अपने तरीके से बोल लीजिए क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है आप क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका टिक लगा के, तो बांग्लादेश ही आते हैं ना, ठीक है, कहां पे हुआ ये बुक फेयर, ढाका। Titled A Commentary and Digest on the Air 1981 लॉन्च हुआ, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये बुक लॉन्च की है, लिखी किसके द्वारा गई है, के खंडेलवाल एंड अपूर्व कुमार सिंह के द्वारा ये लिखी गई है, कोऑथर थे ये दोनों। मिसलेनियस में देख लेते हैं, CII इंपोर्टेंट नहीं लगता देखने में, लेकिन जब आपको फुल फॉर्म पता चलती है फिर आपको लगता है कि हाँ ये तो क्वेश्चन बनता भी है पेपर में डालना। अब पेपर कमेंट के अंदर बताइएगा कि फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है, बिना देखे बताइए, कोई बात नहीं, गलत बता दीजिए, कोई नंबर नहीं काट रहा आपके यूट्यूब पे। सीआईआई सेलिब्रेट 125 ईयर्स एनिवर्सरी, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को इनोग्रेट मतलब सेलिब्रेट किया है सीआईआई ने। रामनाथ कोविंद जी ने सूरज कुंड मेला इनोग्रेट किया। सूरज कुंड मेला हमेशा फरीदाबाद हरियाणा के अंदर होता है। पार्टनर कंट्री आपको पता होना चाहिए, थीम स्टेट पता होना चाहिए, हर साल चेंज होते रहते हैं ये। तो उज्बेकिस्तान इस बार पार्टनर कंट्री थी और थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था। यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ओजले ने हैंड ओवर किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्टिफिकेट किसको, जयपुर को, ठीक है। और मतलब ऑब्वियसली जयपुर सिटी तो नहीं जाएगी, किसको मिला होगा ये, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है शांति धारीवाल उनको दिया गया। NIFM फरीदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस फरीदाबाद में है, उसका नाम रखा गया है अरुण जेटली जी के याद पे, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, बस अरुण जेटली नाम आगे लग गया है। ये कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। नाम चेंज हुए हैं, सुषमा स्वराज जी के नाम पे भी रखा गया था, वो आपको पता होना चाहिए। ऑब्जुरीज में कभी याद ना खुद की ना आपको करवाने की हिदायत देता हूँ, क्योंकि ऑब्जुरीज बहुत होती हैं, एक महीने में 30-30 लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं, फिर आप याद नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको 4-5 महीने की जीके करनी होती है सिर्फ एक नंबर के लिए, वो भी रिस्की होता है आए या ना आए वहां पे, ठीक है। पर्सनली न्यूज देख लेते हैं, बीसीसीआई ने मदन लाल जी आरपी सिंह को क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाने की बात कह दी, ठीक है। तो मदन लाल आरपी सिंह मतलब रुद्र प्रताप सिंह एंड सुलक्षणा नायक, ये तीनों अपॉइंट किए गए हैं एक साल के लिए। सौरव गांगुली बीसीसीआई के 39th प्रेसिडेंट है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है, तो सौरव गांगुली। आरबीआई के शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर है ये, ठीक है। शक्तिकांत दास जी को नेम किया गया है बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री बोला जाता है आरबीआई को, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक में सेंट्रल बैंकर बोला गया है शक्तिकांत दास जी को। लैला गोपीचंद आपको पता होना चाहिए कौन है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव आईओसी ऑनरेबल मेंशन। ऑनरेबल मेंशन ये बैडमिंटन कोच है लैला गोपीचंद, इन्हें ऑनरेबल मेंशन आईओसी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ये। IDSA to be renamed as Manohar Parikar Institute for Defense Studies and Analysis. अब देखिए, इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का नाम रखा जाता है, या जिस सेक्टर से वो रिलेटेड होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि उनको जिंदा रखा जा सके। तो मनोहर परिकर जी डिफेंस मिनिस्टर थे, तो डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम रख दिया गया है मनोहर परिकर जी के नाम पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये है कहाँ पर, और जो जिनके नाम पर रखा गया उनकी क्या खास बात है, उन्हें पद्म भूषण मिला हुआ था, ठीक है। रियलमी रोब्स इन सलमान खान, सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, यूट्यूब पे आपने एड देखी होगी, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, सलमान खान। मारिया सोरोपोवा ने रिटायरमेंट बोली है, वो टेनिस से रिटायरमेंट ले रही हैं। आरबीआई ने इंश्योरेंस कवर बैंक डिपोजिट का 5 लाख तक कर दिया है। पहले DICGC 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता था अकाउंट के ऊपर, ठीक है, डिपॉजिट्स के ऊपर, और अब कितना दिया जाएगा, 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सिक्योर है अगर बैंक डूब भी जाता है तो। अगर आपके खाते में 4 लाख है तो ऑब्वियसली 4 लाख ही मिलेंगे, 5 कोई नहीं देगा। अगर आपके खाते में 6 लाख है तो आपको 5 लाख मिलेंगे, पहले ये लिमिट थी 1 लाख। AIIB ने $3 बिलियन लोन दिया आंध्र प्रदेश को। मैं आपको ये कहने वाला था कि याद रखिएगा कि ये किस चीज के लिए दिया गया है, लेकिन ये बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए दिया गया है, पोर्ट्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए, रोड के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस चीज के लिए दिया। अगर हाँ सिर्फ इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया होता तो पूछा जा सकता था AIIB ने आंध्र प्रदेश को कितने बिलियन का और किस चीज के लिए ये पैसा दिया है, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट पूछा सकता है कितना, 3 बिलियन। प्रिंस चार्ल्स सेट्स अप चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड फॉर इंडिया। कैटी पेरी जो सिंगर है बहुत अच्छी, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
India overtakes UK and France to become fifth largest world economy. World economy fifth largest बनने की होड़ में UK और France को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने. Four Indian cities to launch clean air project. सिर्फ चार है तो important हो जाती है. नाम याद होने चाहिए आपको, लखनऊ, कानपुर इन यूपी एंड पुणे नासिक इन महाराष्ट्र. विल लॉन्च क्लीन एयर प्रोजेक्ट इन इंडिया, सीएपी, कैप इंडिया बोल सकते हैं आप. एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात कही गई है. हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि फेमस है किस चीज, किन के लिए, नागालैंड का जो फेमस है, अब वो मनाया गया है कहाँ पे, वर्ल्ड कंजर्वेशन के लिए कहाँ पे मनाया गया है, त्रिपुरा के अंदर. ठीक है, ऐप पोर्टल की बात की जाए तो आरबीआई ने इश्यू किया है ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप कंपटीटर टू एनपीसी. आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है. अब जैसे पहले नेशनलाइज्ड बैंक थे तो परमिशन दी गई प्राइवेट बैंक को आने के लिए ताकि नेशनलाइज्ड बैंक को कॉम्पिटिशन मिले और इस चीज से कस्टमर सर्विस सुधरे. ठीक है, तो अब एनपीसीआई जो एक अम्ब्रेला कंपनी थी, अम्ब्रेला एंटिटी मानी जाती थी रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए, तो अब उसके लिए एक कंपटीटर तैयार किया जाएगा. ठीक है, तो ये बात कही है आरबीआई ने. फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको. सीआरईडीएआई में पूछा जा सकता है कि डी का मतलब बताइए भाई क्या है. कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. आवास ऐप लॉन्च की गई है, ऑब्वियसली होम बायर डेवलपर के लिए होगी. आवास मतलब रहना होता है. ठीक है, चेयरमैन कौन है, जैक्से. सीबीएसई ने एक ऐप लॉन्च की है ताकि बच्चों को एग्जाम सेंटर ढूंढने में दिक्कत ना आए. ठीक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया गया है. फोर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि एक ऐप लॉन्च की है इसने, सीबीएसई ने. मर्जर्स इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल. हाँ, 1 अप्रैल के बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बैंक्स में मर्जर हो जाएंगे, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कौन से बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है. ये देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको बोर्ड के अंदर प्रोवाइड करवाई गई है. नरेंद्र मोदी जी, उनका पोर्टफोलियो, कॉन्स्टिट्यूएंसी, अमित शाह जी, सदानंद गौड़ा, मैंने सब ट्रिक के साथ करवाया है, आप देख सकते हैं वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जो डिजर्व करते हैं इस बार जॉब लगना, और फॉलो कीजिए हमें. सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए कोई फायदा नहीं. सब्सक्राइबर बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आपको टाइम टू टाइम आप जो वीडियो डिजर्व करते हैं वो नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू सो मच.